हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों किस तरीके से आपका यहाँ पे डिवाइस रहता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे, मेरे यहाँ पे डिवाइस है टेक्नो का। तो दोस्तों आप अपने टेक्नो के फ़ोन के अंदर किस तरीके दोस्तों यहाँ से जो कि आपका रहता है टच साउंड, उसको टच साउंड को यहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने लगा हूँ टच साउंड को किस तरीके से यूज़ करना है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, तो जैसे दोस्तों सिंपली आप क्या करना है, टच साउंड को ऑन करने के लिए या फिर ऑफ करने के लिए, तो टच साउंड को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए सेटिंग का जो ऑप्शन दिया होता है आपके फ़ोन के अंदर, इस पर क्लिक करके सेटिंग को ओपन करना है। और सेटिंग को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, पेन में इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे में दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशंस का ऑप्शन रहता है, हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग का ऑप्शन रहता है, वाईफाई का ऑप्शन रहता है, साउंड एंड वाइब्रेशंस का ऑप्शन रहता है। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे में दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पे में दोस्तों आपको सिंपली देख पाएंगे इस तरह का इंटरफेस रहता है, स्क्रॉल डाउन करना है, टच साउंड यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। यहाँ से अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ पे टच साउंड आपको देखने को मिलता है टक टक करके, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके का कुछ आपको टच साउंड देखने को मिलता है इसको ऑन करने पे। ऑफ कर देंगे तो आपका टच साउंड ऑफ हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको। बाय बाय फ्रेंड्स।